बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में सेहत की दिक्कतें आपके साथ दिखाई दे रही हैं। परिजनों की और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। अपने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। संपत्ति संबंधी कार्यों में भी आपकी व्यस्तता दिख रही है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के सिलसिले में इस सप्ताह में आप काम करें। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बेहतर रहेगी और आप जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर पाएंगे। इस सप्ताह अंत तक जाते जाते आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। ये संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वाले ये जान लें कि सप्ताह में आपको अपने परिवार और अपने लोगों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं और इस सप्ताह में शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं दिखता है, उसका आपको ध्यान बनाए रखना होगा। इस सप्ताह नियमित रूप से अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें, किसी गरीब आदमी को पूरे सप्ताह में खाने की चीज का दान आप करते रहें तो इस सप्ताह की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर संबंधी फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये सप्ताह शुरू होगा, आपको करियर में लाभ होगा। अगर कोई रुका हुआ काम है, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, कोई भी रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका बन सकता है। सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पति वार के आसपास दूसरों के चक्कर में बेवजह का तनाव हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई पारिवारिक मामले में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी मित्र की वजह से तनाव हो गया, किसी रिश्तेदार की वजह से तनाव हो गया, दूसरे की वजह से तनाव हो गया, ये संभावना थोड़ी बनती है। बुधवार बृहस्पतिवार को इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इतना जरूर है कि समस्या कोई भी आती है तो आप बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, कोई कंपटीशन दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, कोई पढ़ाई का मामला है, इस सप्ताह उसमें आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। तो कर्क वालों को करियर के लिहाज से ये सप्ताह बहुत अच्छा है। शिक्षा, प्रतियोगिता और धन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। सिर्फ दूसरों के चक्कर में तनाव ना हो, दूसरों के चक्कर में तनाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान कर्क वालों को इस सप्ताह में रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज शाम को आप जप करें, यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।